बच्चों, ये है हमारा लेक्चर 200 और हम कर रहे हैं चैप्टर 11 एलजेब्रा आपके मैथ्स में। हम कल समझ रहे थे कि किस तरह से हम एक्सप्रेशन को केसेस के रूप में लिख सकते हैं, मतलब किस तरह से एक्सप्रेशंस को हम स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें आप केसेस को एग्जाम्पल में लिख सकते हो। फ्यू एग्जाम्पल्स जिसमें आप केसेस को एक्सप्रेशंस में लिख सकते हो, ठीक है। केसेस को एक्सप्रेशन में कैसे लिख सकते हो? तो केसेस मतलब आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, आपको लिखा हुआ होगा और आपको उसका एक्सप्रेशन बनाना है। जैसे फर्स्ट है 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जेड। अब इसको कैसे लिख सकते हो एक्सप्रेशन में? तो देखो फ्रॉम जेड है, तो जेड जेड का मतलब फ्रॉम है ना, फ्रॉम जेड मतलब जेड आगे आएगा, सब्ट्रैक्टेड वर्ड का मतलब माइनस, सो 12 जेड माइनस 12, ठीक है। सेकेंड 25 एडेड टू आर, ठीक है। अच्छा अब 25 एडेड टू आर, आर है सो यहाँ आर लिखेंगे, एडेड का मतलब प्लस 25, ठीक है। सो आर प्लस 25। थर्ड नंबर पी मल्टीप्लाइड बाय 16, ठीक है। पी मल्टीप्लाइड बाय 16, सो यहाँ देखो 16 है, पी की साइन क्या मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई की साइन ये होती है पी, पर मल्टीप्लाई आप लिखो नहीं लिखो चलता है। सो 16 पी, ठीक है। फोर्थ नंबर वाई डिवाइडेड बाय 8, सो वाई डिवाइडेड बाय 8 का मतलब वाई अपॉन 8, वाई डिवाइडेड बाय मतलब अपॉन 8, ठीक है, वाई अपॉन 8। ई नंबर एम मल्टीप्लाइड बाय माइनस 9, ठीक है। एम मल्टीप्लाइड बाय माइनस 9, सो एम मतलब मल्टीप्लाई, माइनस 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो माइनस 9 मल्टीप्लाई एम, सो इसका मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई की साइन दिखाओ नहीं दिखाओ, सो माइनस 9 एम। नेक्स्ट मतलब ये सारे केसेस हैं, इनको आप किस में लिख रहे हो? एक्सप्रेशंस में लिख रहे हो। सिक्स्थ नंबर y मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड देन 7 एडेड टू द प्रोडक्ट। अब देखो ये थोड़ा सा लंबा है, क्या बोल रहा है? पहले y मल्टीप्लाइड बाय 10 मतलब y को 10 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब 10y, यही हुआ ना, y मल्टीप्लाइड बाय 10 मतलब 10y। अब क्या बोल रहा है? देन एंड देन 7 एडेड टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब ये मल्टीप्लाई, एडेड की मतलब प्लस होता है, सो प्लस 7, सो 10y प्लस 7, ठीक है। सेवेंथ नंबर एन मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट, सो एन मल्टीप्लाइड बाय 2 का मतलब क्या हुआ? एन मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 2n, ठीक है। सो 2n एंड एन मल्टीप्लाई एंड 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट, मतलब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? 1, सो माइनस 1, ठीक है। एन मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 2n एंड 1 सब्ट्रैक्ट, तो 1 फ्रॉम द प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट में से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 2n माइनस 1, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, देखो ये सारे केसेस हैं, ठीक है, ये केसेस हैं और ये एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जेड, जेड माइनस 12, 25 एडेड टू आर, आर प्लस 25 मल्टीप्लाई, तो 16 पी, वाई डिवाइडेड बाय 8, सो वाई अपॉन 8, एम मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस 9 एम, वाई मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड 7 एडेड टू द प्रोडक्ट, ठीक है। सो 10y प्लस 7, एन मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट। सो ये हुए हमारे 7 क्वेश्चंस। सो इस तरह से आप अलग अलग एक्सप्रेशंस बना सकते हो। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 11.3, ठीक है। सो एक्सरसाइज 11.3 में हम देखते हैं क्वेश्चन 1। ये एक्सरसाइज 11.3 आपकी एनसीईआरटी में पेज 233 पे है। सो एक्सरसाइज 11.3 क्या बोल रही है? एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन 1 बोलता है कि मेकअप एज मैनी एक्सप्रेशंस विद नंबर्स।
आप जितने हो सके एक्सप्रेशंस बताओ नंबर्स के साथ, नो वेरिएबल्स. नो वेरिएबल्स मतलब ABCDEF XYZ ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ नंबर होने चाहिए. एज यू कैन फ्रॉम 3 नंबर्स 5 7 8, कह रहा है 5 7 8, इन तीनों नंबर्स को यूज करके आप बहुत सारी एक्सप्रेशंस बनाओ. 5 7 और 8 को यूज करके बहुत सारी एक्सप्रेशंस बनाओ. एवरी नंबर शुड बी यूज नॉट मोर देन वंस, हर नंबर एक से ज्यादा बारी नहीं यूज होना चाहिए. यूज ओनली एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का यूज करो, और 5 7 8 का यूज करो, और अलग अलग एक्सप्रेशन बनाओ. आपके मन में जो आता है आप बनाओ, जो आता है. सो इसने क्या बोला है, जितनी मन पड़े इतनी एक्सप्रेशंस बनाओ. ठीक है, तो हम बहुत सारी बनाएंगे. सो क्वेश्चन 1 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक टाइम पास टाइप क्वेश्चन है. एक्सरसाइज 11.3 कह रहा है 5 7 8 को यूज करो और प्लस माइनस मल्टीप्लाई यूज करो, उसको यूज करके बहुत सारी एक्सप्रेशन बनाओ. और कह रहा है कि भाई वेरिएबल यूज मत करना, और बोल रहा है जितनी बना सकते हो बनाओ. सो 5 7 और 8 को यूज करना है, और आपको क्या यूज करना है, आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन यूज करना है. ठीक है, सो एक्सप्रेशंस बनाएंगे फर्स्ट. सो देखो 5 प्लस 7 माइनस 8, ठीक है. देखो ये एक्सप्रेशन बनाई मैंने, 5 7 8 का यूज किया, प्लस माइनस का भी मैंने यूज किया. ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, कैसे भी उल्टा करो सीधा करो कुछ भी कर सकते हो. ठीक है, फिर कुछ भी, और ब्रैकेट भी लगा सकते हो. ठीक है, कैसे भी ब्रैकेट भी लगा सकते हो. सपोज आपने ऐसे ब्रैकेट लगाई, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो. सेकेंड 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 8, ऐसे भी कर सकते हो. थर्ड प्लस माइनस और मल्टीप्लाई 5 7 8, और जरूरी नहीं है 5 पहले 7 फिर 8 लास्ट में, ऐसे नहीं है. कुछ पहले भी लिख सकते हो, कुछ भी, कैसे भी आपका मन पड़े. तो मैं ऐसे ये, और है ना, इस जरूरी नहीं है इन्होंने पीछे आंसर दिया हो तो हमारा मैच हो. ये जिसका मन जैसे चले. ये जो एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन 1 है, इसका कुछ फिक्स आंसर नहीं है. कह रहा है एक्सप्रेशंस बनाओ आपके जो मन आए, कुछ भी बनाओ. किसी का भी मन कैसा भी चल सकता है. ठीक है, ये आंसर मैं करा रही हूँ तो मेरे अलग आंसर्स होंगे, आपकी क्लास टीचर करा रही, मैथ्स टीचर स्कूल की, तो उनके अलग होंगे. आप किसी गाइड में देखोगे वहाँ अलग होंगे, आप किसी साइट पे देखोगे वहाँ अलग होंगे. ये जिसको जैसे आए वो वैसा करे. सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लाई का यूज करना है, 5 7 8 का यूज करना है, नथिंग एल्स. ठीक है, देखो 8 7 जा प्लस 5, देखो ये भी मैंने, देखो 8 7 5 यूज किया, मल्टीप्लाई कैसे भी यूज करना है. फोर्थ 8 7 माइनस 5, फिफ्थ 6 8, नहीं 6 तो है ही नहीं ना, 8 5 माइनस 7. ठीक है, आप कैसे भी यूज कर सकते हो. ठीक है, हम इन 5 पे ही एंड करते हैं. आप चाहो 10 बनाओ, 15 20, बहुत सारे बनेंगे. ठीक है, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई का यूज करना है, और 5 7 8 नंबर्स का यूज करना है, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई 5 7 8. क्वेश्चन 2 क्या बोलता है, क्वेश्चन 2 तो आपको बुक में ही करना है. ठीक है, क्वेश्चन 2 आपको बोल रहा है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशंस विद नंबर्स ओनली. कह रहा है ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, क्या बोल रहा है, इनमें से कौन से एक्सप्रेशंस नंबर वाले ही हैं, इनमें से कौन से एक्सप्रेशंस नंबर वाले ही हैं. कौन से एक्सप्रेशन सिर्फ नंबर विद नंबर्स ओनली, मतलब वेरिएबल नहीं होना चाहिए. देखो वाई प्लस थ्री क्या खाली नंबर वाला है, नहीं. देखो वाई वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब कोई भी अल्फाबेट. नो 5 21 माइनस, देखो 5 नंबर है, 21 नंबर है, 7 नंबर है, 7 नंबर है, 2 नंबर है. ये क्या है, ये नंबर वाले हैं. तो यस 3x है, 3 नंबर है, x वेरिएबल है मतलब अल्फाबेट है ना. नो 7 नंबर है, 20 नंबर है, 5 नंबर है, 10 नंबर है, 45 नंबर है, p क्या है, वेरिएबल है. नो मतलब पूछ रहा है विच एक्सप्रेशन आर विद नंबर ओनली.
यहाँ देखो बी वाला 7 × 20 − 8z, तो यहाँ देखो z वेरिएबल आया तो नो, 5 है ही नंबर तो यस, 5 − 5n तो देखो ये वेरिएबल है तो नो. क्या बोल रहा है, विच आउट ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर विद नंबर्स ओनली, तो किस में यस आया देखो सी में और डी में, सो सी एंड डी, सी और डी आंसर है, मतलब सी और डी एक्सप्रेशंस हैं जिनमें खाली नंबर ही यूज हुए हैं, जिनमें कोई भी वेरिएबल, वेरिएबल मतलब अल्फाबेट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जेड तक कोई अल्फाबेट यूज नहीं हुआ है, ओनली ओनली नंबर्स यूज हुए हैं सी में और डी में. ठीक है, अब क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 बोल रहा है आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लीकेशन इन फॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड टेल हाउ एक्सप्रेशंस हैव बीन फॉर्म्ड. सो कह रहा है कि यहाँ ए में देखो जेड प्लस वन जेड माइनस वन वाई प्लस 17 वाई माइनस 17, तो कह रहा है कि बताओ इसको केस में लिख दो, मतलब केस मतलब आपको शब्दों में लिखना है, जैसे 7 + 1 है तो इसके लिए कैसे लिख सकते हो, 1 added to z, सॉरी z + 1 है 1 added to z, 1 subtracted from z, ऐसे. ठीक है, सो क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 करते हैं. ठीक है, ए z + 1 z − 1 y + 17 y − 17. ठीक है, सो आंसर z + 1 को कैसे लिख सकते हो, 1 added to z, 1 added to z. z − 1 को कैसे लिख सकते हो, 1 subtracted from z. ठीक है, 1 को z से सब्ट्रैक्ट किया. y + 17 को कैसे लिख सकते हो, 17 added to y, 17 added to y. y − 17 को कैसे लिख सकते हो, 17 subtracted from y. ठीक है, देखो 1 added to z, 1 subtracted from z, 17 added to y, 17 subtracted from y. ठीक है, फिर b है, अब b नंबर क्वेश्चन 3 का b, b में क्या लिखा है, 17 y y upon 17 5z. सो ये फिर से सबको लिखो, 17 y को कैसे लिखोगे, सो 17 y को कैसे लिखोगे, 17 × y. ठीक है, सो 17 × y. ठीक है, y / 17 को कैसे लिख सकते हो, y/17. फिर 5z को कैसे लिख सकते हो, 5 कैसे लिखोगे बताओ, 5 × z, 5 × z. तो इनको आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो. ठीक है, अब सी नंबर, सो सी नंबर है 2y + 17, 2y − 17. ठीक है, सो देखो यहां देखो उन्होंने दो चीजें साथ में दी दी है, 2y + 17, 2y − 17. तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई की साइन है ये प्लस की, ये मल्टीप्लाई की साइन है ये माइनस की, तो ये थोड़ा टफ होने वाला है, इसमें थोड़ा सोच के लिखना पड़ेगा. कैसे लिखोगे, सो देखो 2y का मतलब क्या हुआ, 2y का मतलब 2 × y. ठीक है, सो क्या लिखोगे, 2 × y. ठीक है, मतलब 2 को मल्टीप्लाई y किया, एंड प्रोडक्ट, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, एंड प्रोडक्ट इज एडेड टू 17. ठीक है, 2 × y है एंड प्रोडक्ट इज एडेड टू 17. 2 को y से मल्टीप्लाई किया और प्रोडक्ट को मतलब इसको किससे ऐड किया, 17 से. इसी तरह से इसको भी 2 × y, 2 × y एंड प्रोडक्ट इज
एंड 17 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट. देखो 17 सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना इसमें से, एंड 17 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट. कैसे किया देखो, 2 मल्टीप्लाइड बाय y एंड एडेड टू 17. 2 मल्टीप्लाइड बाय y एडेड टू 17, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय y एंड 17 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट. ठीक है, सो ये है आपका C नंबर. ठीक है, सो ये देखो ये है आपका A B C. ये A नंबर था, A भी बहुत सिंपल था. ठीक है, ये मैंने आगे आपको जैसे ही चालू किया था लेक्चर तब सिखाया था. B भी सिंपल ही था, C में थोड़ा डबल जैसा काम था. डबल जैसा क्यों, मल्टीप्लाई भी प्लस भी. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय y एंड एडेड टू 17. प्रोडक्ट मतलब ये प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है ना, प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई का वर्ड एक ही मतलब एक ही होता है. 2 मल्टीप्लाइड बाय y एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय y एंड 17 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट. अब D नंबर भी कुछ ऐसा ही है. D नंबर में है 7m कॉमा माइनस 7m प्लस 3 कॉमा माइनस 7m माइनस 3. ठीक है, सो आंसर 7m. सो 7m को कैसे लिख सकते हैं, 7m को 7 मल्टीप्लाइड बाय m, 7 मल्टीप्लाइड बाय m. फिर माइनस 7m प्लस 3 कैसे लिख सकते हैं, माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय m एंड एडेड टू 3 एंड प्रोडक्ट इज एडेड टू 3. फिर माइनस 7 है माइनस 3 है, माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय m एंड 3 इज सब्ट्रैक्टेड, 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट. ठीक है, फिर से देखो 7m है तो 7 मल्टीप्लाइड बाय m है, माइनस 7m प्लस 3 है, माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय m एंड द प्रोडक्ट इज एडेड टू 3, माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय m एंड 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट. ठीक है, सो ये हुआ D नंबर. अच्छा अब देखते हैं क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 4 है, गिव एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग केसेस, इन केसेस के लिए एक्सप्रेशंस लिखो. फिर से देखो वही चीज है जो अभी आपने की ना, यहाँ जो किया वही करना है. मतलब जो जब मैंने चालू कराया था ना ये चैप्टर, जो सीखा था वही है इसमें. देखो इसमें आपने एक्सप्रेशन को केसेस में लिखा, यहाँ केसेस को एक्सप्रेशन में, मतलब हम अभी यही कर रहे हैं क्वेश्चन 4. सो क्वेश्चन 4 में, क्वेश्चन 4 गिव एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस. ठीक है, सो फर्स्ट नंबर या ए, सॉरी ए है 7 एडेड टू p, मतलब 7 p में एड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, p प्लस 7. ठीक है, फिर b नंबर 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p, इसका मतलब क्या हुआ, p माइनस 7. थर्ड नंबर c p मल्टीप्लाइड बाय 7, इसका मतलब क्या हुआ, p मल्टीप्लाइड बाय 7, सो 7p होगा ना, p मल्टीप्लाइड बाय 7 मतलब 7p. ठीक है, मल्टीप्लाई है ना, देखो फ्रॉम p मतलब p आ गया. ठीक है, एडेड और मल्टीप्लाई में कोई चिंता नहीं है, सब्ट्रैक्टेड हो तो उसमें देख लेने का, फ्रॉम है ना तो वो वाला आगे, बाकी एडेड और मल्टीप्लाई में कोई चिंता नहीं. आप कैसे भी कोई भी नंबर, आप इसको पी 7 लिखोगे तो भी चलेगा, इसको 7 प्लस पी लिखोगे तो भी चलेगा, खाली ये सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखना पड़ता है. डी पी डिवाइडेड बाय 7, सो पी डिवाइडेड बाय 7 का मतलब पी अपॉन 7. ठीक है, फिर ई नंबर 7 सब्ट्रैक्टेड
फ्रॉम माइनस फाइव, ठीक है, सेवन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस फाइव है तो सेवन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस एम है तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस एम, फ्रॉम माइनस एम है तो माइनस एम सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस, सो माइनस एम माइनस सेवन, सो एफ माइनस पी मल्टीप्लाइड बाय फाइव, सो माइनस पी मल्टीप्लाइड बाय फाइव का मतलब, सो माइनस पी मल्टीप्लाइड बाय फाइव इसका मतलब फाइव पी, ठीक है, या तो माइनस फाइव पी कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है, माइनस फाइव पी, ठीक है, माइनस पी फाइव लिखो, माइनस फाइव पी लिखो, कैसे भी लिखो, ठीक है, फिर जी, जी है माइनस पी डिवाइडेड बाय फाइव, इसको कैसे लिख सकते हो, सो माइनस पी डिवाइडेड बाय फाइव मतलब माइनस पी अपॉन सेवन, माइनस पी अपॉन सेवन है, ठीक है, सो सो देखो ये ए का आंसर हुआ, ये बी का, ये सी का, ये डी का, ये ई का, एफ का, जी का, अच्छा अब एच देखेंगे, पी मल्टीप्लाइड बाय माइनस फाइव, सो एफ सॉरी एच पी मल्टीप्लाइड बाय माइनस फाइव, ठीक है, सो पी मल्टीप्लाइड बाय माइनस फाइव, सो क्या लिखेंगे, माइनस फाइव पी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस फाइव पी, पी मल्टीप्लाई माइनस फाइव मतलब माइनस फाइव पी, सो यहाँ देखो माइनस पी मल्टीप्लाइड फाइव लिखा तो भी माइनस फाइव पी, पी मल्टी माइनस फाइव एक ही बात हुई, मल्टीप्लाई होता ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कह रही हूँ ना मल्टीप्लाई ऐड हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब भी डिवाइड और मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्ट्रैक्ट करो ना तो ध्यान रखा करो। अच्छा अब हम देखेंगे क्वेश्चन फाइव, क्वेश्चन फाइव क्या बोल रहा है, गिव एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस, अब वो की आप ऐसा करो, ठीक है, मैं कह रही हूँ ना आज पूरी तरह हमें यही करना है, गिव एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस, सो अब हमें एक्सप्रेशंस लिखने हैं, ठीक है, ये प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन बस ये समझ लेना है आपको और बस यही करना है, सो क्वेश्चन फाइव, गिव एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है, सो फर्स्ट नंबर ए, 11 एडेड टू 2m, सो कैसे लिखोगे, 11 एडेड टू 2m, सो 2m प्लस 11, फिर बी, 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m, सो कैसे लिखोगे, सब्ट्रैक्टेड है तो 2m माइनस 11, सी, 5 टाइम्स y टू विच 3 इज एडेड, सो 5 टाइम्स y टू विच 3 इज एडेड, सो इसका मतलब क्या हुआ, 5 टाइम्स y मतलब 5y प्लस 3, 5 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, सो 5y एडेड तो प्लस 3, ठीक है, सो ये देखो ये इसका आंसर है, ये इसका है और ये इसका है, अच्छा फिर डी नंबर, 5 टाइम्स y फ्रॉम विच 3 इज सब्ट्रैक्टेड, अब इसका मतलब क्या है, 5 टाइम्स y फ्रॉम विच, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, वो आगे आएगा, फ्रॉम विच, 5 टाइम्स y फ्रॉम विच, जिसमें से, फ्रॉम विच तो 5 टाइम्स y मतलब 5y, फ्रॉम विच 3 सब्ट्रैक्टेड, 3 माइनस हो रहा है, ठीक है, देखो इसने फ्रॉम विच बोला है, ओनली फ्रॉम नहीं बोला है, फ्रॉम बोलता ना तो 3 आ गया था, इसने फ्रॉम विच बोला है, सो 5y माइनस 3, ई, y इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस 8, सो क्या लिखोगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 8, सो y मल्टी y 8 है ना तो माइनस 8y, ठीक है, f नंबर, y इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस 8 एंड देन 5 इज एडेड टू द रिजल्ट, ठीक है,
y is multiplied by minus 8 and then 5 is added to the result. So, इसका मतलब क्या हुआ? Minus 8y, y is multiplied by minus 8, minus 8y added मतलब plus 5. ठीक है, ये y है, ये minus 8 है, ये 5 है. So, minus 8y plus 5. G, y is multiplied by 5 and the result is subtracted from 16. ठीक है, y is multiplied by 5 and the result is subtracted from 16. So y is multiplied by 5 and the result is subtracted from 16. From 16 है ना, तो इसका मतलब 16 आगे आएगा. So ये 16 आगे आया. ठीक है, फिर subtracted word है, so minus, so y is multiplied by 5, so 5y. ठीक है, देखो ये सारी आपको सोच लगानी पड़ेगी. मेरे लिए, मैं शायद आपको जल्दी बता रही हूँ या आसानी से बता रही हूँ, बट आपको ये सारा सोचना पड़ेगा. y is multiplied by 5 and the result is subtracted from 16, so 16 आगे आएगा. from 16, 16 आगे आया, subtracted है तो minus. y multiplied by 5 का मतलब 5y, so 16 minus 5y. अच्छा, अब h number देखते हैं. आपको लग रहा होगा कि ये जल्दी करे जा रही है, भाई इनको तो आएगा हमको. हाँ, तो सही बात है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ठीक है, इसमें कोई और है ही नहीं आपको ऑप्शन. h, y is multiplied by minus 5 and the result is added to, result is added to 16. ठीक है, so y is multiplied by minus 5 का मतलब क्या हुआ? माइनस फाइव वाई हुआ. वाई इज मल्टीप्लाइड टू बाय माइनस वाई मतलब माइनस फाइव वाई एंड द रिजल्ट इज एडेड. एडेड का मतलब प्लस 16. ठीक है, वाई इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस फाइव मतलब माइनस फाइव वाई एंड द रिजल्ट इज एडेड का मतलब प्लस प्लस 16. वाई मल्टीप्लाइड माइनस फाइव माइनस फाइव वाई प्लस 16. ठीक है, सो ये हुआ हमारे एच. देख लें अच्छे से. ठीक है, सो ये सारे हमारे एच में. ठीक है, इसका आंसर ये, इसका ये, मतलब ये आपको समझना पड़ेगा. वाई मल्टीप्लाई माइनस वाई मतलब माइनस फाइव वाई. ठीक है, एंड द रिजल्ट एडेड का मतलब प्लस 16. ठीक है, सो दिस इज योर एच नंबर. अच्छा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन सिक्स. क्वेश्चन सिक्स क्या बोल रहा है? क्वेश्चन सिक्स बोल रहा है आपको कि ए फॉर्म एक्सप्रेशंस यूजिंग टी एंड फोर. टी और फोर को यूज करके एक्सप्रेशंस बनाओ. यूज नॉट मोर देन वन नंबर ऑपरेशन. एवरी फंक्शन एक्सप्रेशन मस्ट हैव टी इन इट. देखो, टी और फोर इन दोनों को यूज करके, एक वेरिएबल और एक नंबर को यूज करके आपको क्या करना है? एक्सप्रेशंस बनानी है, मतलब प्लस वाली, माइनस वाली, मल्टीप्लिकेशन वाली. यूज नॉट मोर देन वन नंबर ऑपरेशन मतलब आपको एक नंबर ऑपरेशन से ज्यादा यूज नहीं करना है. वन नंबर ऑपरेशन मतलब एक आप एक ही जगह मल्टीप्लाई यूज कर सकते हो, या प्लस यूज कर सकते हो, या माइनस यूज कर सकते हो, या डिवाइड, इससे ज्यादा नहीं. यूज ओनली टू नंबर ऑपरेशंस. सो आपको खाली दो नंबर ऑपरेशंस यूज, सॉरी, एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव टी इन इट. एवरी एक्सप्रेशन, सो हम पहले ए वाला करते हैं. ए में बोल रहा है टी और फोर यूज करो. यूज नॉट मोर देन वन नंबर ऑपरेशन मतलब एक ऑपरेशन से ज्यादा या तो प्लस यूज करो, या तो माइनस, या तो मल्टीप्लाई, या तो डिवाइड. एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव टी इन इट, और टी तो होना ही चाहिए अंदर. ठीक है, सो क्वेश्चन सिक्स करते हैं. क्वेश्चन सिक्स, सो क्वेश्चन सिक्स में सिंपली आपको क्या करना है? टी सेवन का यूज और वन नंबर एक्सप्रेशन. सो क्वेश्चन सिक्स का ए. ठीक है, सो क्वेश्चन सिक्स ए है. टी एंड फोर का यूज करो, और क्या बोल रहा है? एक ही एक्सप्रेशन. सो आंसर, बहुत सारे आंसर्स. मैंने इसमें भी देखो ऐसे ही होगा, मेरा आंसर कुछ और होगा, आपकी टीचर का कुछ और होगा, गाइड का कुछ और होगा, इंटरनेट की किसी साइट का कुछ और. ठीक है, ये कोई भी कैसे भी लिख सकता है. सो सबसे पहले टी प्लस फोर लिख सकती हूँ. हाँ, लिख सकती हूँ, कुछ भी लिखो. प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, टी माइनस फोर, थ्री फोर टी मल्टीप्लाई हुआ ना, 40 मतलब 4 मल्टीप्लाई टी, फोर्थ टी डिवाइड 4. ठीक है, सो बोला है फॉर्म एक्सप्रेशंस
बस मैंने इतना ही करे, ठीक है। उसने कुछ बोला नहीं, इसने खाली बोला एक्सप्रेशन फॉर्म करो, ठीक है। सो आप 4 - t भी लिख सकते हो, 4 / t भी लिख सकते हो, ठीक है। सो मैंने इतने एक्सप्रेशन बना के छोड़ दिए। अच्छा अब ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 6 के बी में, ये ए पार्ट, बी पार्ट में, बी पार्ट दूसरा है, बी पार्ट में अलग चीज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बी पार्ट में, बी पार्ट में पूछ रहा है फॉर्म एक्सप्रेशंस, फॉर्म एक्सप्रेशंस यूजिंग y 2 7, एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव y इन इट, यूज ओनली 2 नंबर ऑपरेशन, दीज शुड बी डिफरेंट। देख अब 3 का y 2 और 7 का यूज करना है, y 2 7 का यूज करके आपको 2 नंबर ऑपरेशंस मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में से 2 ही, एंड दीज शुड बी डिफरेंट, ठीक है। जो बोल रहा है ना उसको समझो, कह रहा है कि आपको y 2 और 7 यूज करके आपको एक्सप्रेशंस बनाने हैं, और आपको क्या करना है 4 में से सिर्फ 2 नंबर ऑपरेशंस यूज करने हैं, और वो डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। सो बी नंबर है y 2 और 7, ठीक है। सो y 2 और 7 को यूज करके आपको नंबर ऑपरेशंस बनाने हैं। सो आंसर फर्स्ट, सो मल्टीप्लाई होता है, प्लस होता है, डिवाइड होता है, और क्या होता है माइनस होता है, इन सबको यूज करो, और 1 में 2 से ज्यादा यूज नहीं होना चाहिए। सो देखो y मल्टीप्लाई 2 + 7, ठीक है। फिर सेकेंड y अपॉन 2 - 7, देखो डिवाइड और माइनस, 2 से ज्यादा यूज नहीं करने हैं। थर्ड y प्लस 2 * 7, कुछ भी जो आपके मन में आए, ठीक है। मैं आपको वही कह रही हूं, आपका आंसर कुछ होगा, किसी और का कुछ और होगा, ठीक है। सो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मेरा मैच होना चाहिए दूसरे के साथ, y प्लस 2 * 7, ठीक है। कुछ अच्छा ये मैंने सेम टू सेम लिख दिया, y प्लस 2 - 7, ठीक है। फिर फिफ्थ नंबर y -7 * 2, सो ऐसे आप बहुत सारे एक्सप्रेशंस लिख सकते हो, इनकी कोई अंत ही नहीं है, बहुत सारे एक्सप्रेशंस लिखे जा सकते हैं। इवन मैं आपको कहूंगी 4, आप इसमें देखो मैं आपको एक ऐसे वर्क देती हूँ आपके आपके लिए, जैसे ये हमने 4 लिखे, और राइट 4 मोर, और 4 आप लिखना, 4 मोर एक्सप्रेशंस, मतलब और आप क्या क्या लिख सकते हो, ठीक है। मैंने आपको कहा ना बहुत कुछ लिखा जा सकता है, सेम यहाँ पे भी राइट, मैंने 5 लिखे हैं, तो राइट 5 मोर एक्सप्रेशंस, ठीक है। सो बहुत सारे एक्सप्रेशंस लिखे जा सकते हैं, एंड वैरायटी बहुत आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है, और सब सही होगा, कुछ गलत नहीं होगा। सो दिस वाज योर होल एक्सरसाइज। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट ले रहे हैं, हमने आज एक्सरसाइज 11.3 पूरी की। अब देखो हम जैसे ये अब एक्सप्रेशंस देखे भाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज किया जाए, प्रैक्टिकली वर्ड का मतलब क्या हुआ आपकी लाइफ में, डेली लाइफ में। जैसे मैं बोल रही हूँ कि भाई मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं, मेरे भाई के पास मेरे पास 10 चॉकलेट हैं, और मेरे भाई के पास x चॉकलेट हैं, या मेरे भाई के पास x चॉकलेट हैं और मेरे पास, देखो मेरे भाई के पास x चॉकलेट हैं और मेरे पास मेरे भाई से 2 चॉकलेट मोर है, मुझे 2 चॉकलेट ज्यादा है, तो मेरे पास कितने होंगे x प्लस 2, सही है ना भाई। फिर देखो मेरे फ्रेंड के पास y चॉकलेट्स हैं, y, और मेरे पास 10 चॉकलेट ज्यादा है मेरे फ्रेंड से, इसका मतलब क्या हुआ y प्लस 10, सही है ना। सो इस तरह से प्रैक्टिकली मतलब आपकी डेली लाइफ में इसको आप कैसे यूज कर सकते हो, इन एक्सप्रेशंस को, एलजेब्रा को डेली लाइफ में आप कैसे यूज कर सकते हो। सो नया टॉपिक है जिसको जो आपको समझना है, यूजिंग एक्सप्रेशंस प्रैक्टिकली, इन्हें प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हो आप, प्रैक्टिकली का मतलब क्या हुआ आपकी लाइफ में कैसे उसे यूज कर सकते हो, ठीक है। सो अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, जैसे सिचुएशन है, एक सिचुएशन मतलब मैं आपको एक सिचुएशन दे रही हूं कि भाई सरिता हैज 10 more marbles than खुशी, ठीक है, सरिता के पास 10 ज्यादा मार्बल्स हैं खुशी से, ठीक है। सो अब आप इसको कैसे लिखोगे,
अब पहले तो खुशी के पास कितने मार्बल, भाई सरिता के पास 10 मार्बल्स ज्यादा हैं खुशी से, कंचे मार्बल मतलब कंचे। सो पहले आपको खुशी के मार्बल पता होने चाहिए। सो क्या लिखोगे आंसर, लेट खुशी हैज एक्स मार्बल्स, खुशी के पास कितने मार्बल्स हैं एक्स, लेट खुशी हैज एक्स मार्बल्स, ठीक है। खुशी के पास कितने मार्बल्स हैं एक्स मार्बल्स हैं, सरिता हैज 10 मोर मार्बल्स मतलब +10। सो सरिता हैज 10 मोर मतलब x+10, ठीक है। सो x+10 मार्बल्स। सो अभी हम देखेंगे सेकेंड नंबर, सेकेंड है तो अच्छा, खुशी हैज एक्स मार्बल, सरिता हैज x+10 मार्बल्स, हुआ ना। अभी अभी मैंने ऐसी नहीं बात की थी आपसे कि भाई अगर मेरे भाई के पास एक्स है तो हमने क्या सपोज किया, सपोज किया कि लेट खुशी के पास एक्स मार्बल्स हैं तो सरिता के पास x+10, ठीक है। सो सरिता के पास कितने मार्बल्स हैं x+10। अच्छा अब सेकेंड देखो, ध्रुव इज 3 years younger than, ध्रुव इज 3 years younger than लव, ठीक है, ध्रुव लव से 3 साल छोटा है। सो अब आंसर तो पीछे लव है, सो पहले लव को सपोज करो, देखो ईयर्स है ना मतलब एज, सो लेट लव्स एज इज एक्स ईयर्स, क्योंकि एज की बात हो रही है ना, सो लव की एज एक्स ईयर्स है। सो ध्रुव क्या है, यंग है, यंग का मतलब क्या होता है माइनस, देखो ओल्ड ओल्ड लिखती तो प्लस, यंग का मतलब माइनस। सो ध्रुव की एज कितनी होगी, सो ध्रुव एज इज x-3 years, ठीक है। पीछे जो लिखा होता है ना उसको सपोज कर दो, जैसे यहाँ खुशी का था तो खुशी को सपोज किया, लव का है तो लव का उसको सपोज कर दो, फिर आगे वाले के हिसाब से क्वेश्चन समझो। यहाँ मोर वर्ड यूज हुआ, मोर वर्ड यूज हुआ तो प्लस, लेस यूज होता तो माइनस, या यंगर, यंगर मतलब छोटा, छोटा मतलब माइनस, एल्डर या ओल्डर यूज होता तो प्लस, ठीक है। थर्ड नंबर, सो थर्ड नंबर है आपका धैर्य इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हीर, ठीक है। अब यहां देखो धैर्य इज ट्वाइस ओल्ड एज हीर, सो अब इसका मतलब क्या हो, फिर अब देखो फिर से ओल्ड एज की बात आई तो पीछे हीर है तो लेट हीर इज एक्स ईयर्स ओल्ड। सो आंसर, लेट हीर इज एक्स ईयर्स ओल्ड, सो हीर एक्स ईयर्स ओल्ड है। सो हीर एक्स ईयर्स ओल्ड है, अब क्या बोल रहा है धैर्य इज, सो धैर्य की एज क्या होगी, धैर्यस एज इज, इसका मतलब इक्वल टू ट्वाइज, ट्वाइज का मतलब क्या होता है टू, ट्वाइज का मतलब 2 मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई, सो ट्वाइज एज ओल्ड एज ही मतलब 2x। ट्वाइज का मतलब वर्ड, ट्वाइज वर्ड का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई, देखो ट्वाइज वर्ड हो ना तो 2 मल्टीप्लाई वर्ड मतलब होता है, और थ्राइज वर्ड यूज हो तो 3 मल्टीप्लाई, ये याद रखना। और आपको पता है ना मल्टीप्लाई की साइन तो हम दिखाते कहाँ हैं, ठीक है। सो 2x, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सम्स हैं, आप थोड़ा सा अगर आपको ग्रिप आ जाएगी ना आपको मजा आएगी ये करते हैं, जब तक समझ नहीं आएगा तब तक आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये क्या पढ़ रहे हैं, पर आप थोड़ा सीरियसली लेक्चर 2-3 बारी सुनोगे ना बहुत आसानी होगी, ठीक है। सो 2x ईयर्स। फोर्थ नंबर, जियास फादर, जियास फादर्स एज इज 2 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स जियास एज। अब देखो जिया के एज में तो लेट जिया से एज भी एक्स ईयर, पीछे जिया का मतलब जिया के पापा की और जिया की एज लिखनी है, सो पहले आपको जिया की एज पता होनी चाहिए। सो आंसर, लेट जियास एज बी एक्स ईयर्स, जिया की एज कितनी हुई एक्स ईयर्स, तो उसके पापा की कितनी होगी, सो जियास
फादर्स एज, जियास फादर्स एज इज इक्वल टू, जियास फादर एज क्या होगी, सो जियास फादर एज इज 2 ईयर्स मोर, 2 ईयर्स मोर मतलब प्लस टू, किसमें प्लस टू, 2 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स जियास एज, 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है मतलब 3x, सो जिया के पापा की एज क्या है 3x प्लस टू, जिया की एक्स है तो उसके पापा की एज 3x प्लस 2 ईयर्स, ठीक है, ऑब्वियसली पापा की एज ज्यादा ही होगी ना, बच्चे से तो पापा की एज ज्यादा होगी, सो देखो प्लस भी यूज हुआ और मल्टीप्लाई भी यूज हुआ, मल्टीप्लाई भी एक नंबर को बड़ा बना देता है और प्लस भी बड़ा बना देता है, और पापा की एज तो ज्यादा ही होगी बच्चे से, सो ये थोड़ी सी कॉमन सेंस भी है, देखो ये डे टू डे प्रॉब्लम्स होती है ना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में अगर एलजेब्रा करना है तो थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है, जैसे यहाँ यंगर वर्ड है तो मतलब छोटा है तो माइनस होगा, ये समझने की बात है ना, मोर है तो प्लस होगा, ठीक है, सो ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, हम कल और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इनकी, सो विद दिस आई एम एंडिंग आवर टुडेज लेक्चर, राइट ईच एंड एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली, बहुत अच्छे से देखना, एंड मैं प्लीज आई विल सजेस्ट एटलीस्ट 2 टाइम्स लेक्चर जरूर देखना, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, थैंक यू।